तो एक बार फिर से स्वागत है आपका जीवी लाइफ पर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि दीपावली का महत्व क्या है और इस बार शुभ मुहूर्त क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि किन लोगों पर वैभव की देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है और आप माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये हम जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए कि कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और धन किन के पास होता है। बिल्कुल, श्री महालक्ष्मी जी की पूजा और आराधना से निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है, आयु की प्राप्ति होती है और विद्या की प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोग समृद्ध कहे जाते हैं। समृद्ध का मतलब जिनके पास सब चीजें हों, केवल धन नहीं। और ये धन उन्हीं के पास आता है जो लोग पवित्रता बनाए रखते हैं। पवित्रता चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके व्यवहार की हो और चाहे आपके मन की हो। अगर आपका घर शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, घर में गंदे कपड़े गंदे बर्तन नहीं रहते हैं, अगर आपका मन पवित्र रहता है, मन में निगेटिव विचार नहीं आते हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, तो निश्चित रूप से आप धनवान होंगे और आप पर महालक्ष्मी की कृपा होगी। दूसरा, आपके प्रियजन जो आपके मित्र हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाना, इससे भी महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। साथ ही प्रकृति का सम्मान करना, हमारे धर्म में भी कहा गया है, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, चाहे वो तुलसी हो, चाहे पीपल हो, चाहे गाय हो, चाहे चिड़िया हो, सबसे जुड़ा है हमारे धर्म में। और इसीलिए जुड़ा है कि बिना पर्यावरण के हम लोग नहीं रह सकते, सिर्फ नोटों की गड्डियों के बल पे हमारा जीवन नहीं चल सकता, इसलिए हमें प्रकृति का सम्मान करना है। और जो लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उन पर माता महालक्ष्मी जी की बहुत कृपा रहती है। जो लोग उदार हैं, दयालु हैं और स्वभाव से आर्द हैं, आर्द का मतलब होता है विनम्र रहने वाला, कृपापूर्ण रहने वाला, पिघल जाने वाला, किसी ने आपसे थोड़ी सी मांग की और आपने उसकी पूरी कर दी, तो यही तो लक्षण है माता महालक्ष्मी जी का। और माता महालक्ष्मी जी आर्द हैं हमेशा, जैसे गीला हो कोई आदमी, अभी नहा के आया हो, उसे कहते हैं आर्द। तो जो लोग आर्द होते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं, उन पे महालक्ष्मी माता की हमेशा कृपा रहती है और उन पे कल्याण करती है। जो लोग निरंतर अच्छे कार्य करते हैं, कर्मशील हैं, उन्नतिशील हैं, अनुशासित हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, ऐसे लोग निरंतर आगे बढ़ते हैं, धनवान होते हैं और माता महालक्ष्मी जी की उन पे कृपा होती है। जाहिर है कि जिनका व्यवहार अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, माँ उनसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनसे माँ लक्ष्मी नाराज रहती हैं, और क्या कारण है कि लक्ष्मी उनसे दूर भागती है, धन इनके पास नहीं रहता। पंडित जी बताइए। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जिनके घर अपवित्र होंगे, शरीर अपवित्र होंगे, नहाना नहीं है, मन अपवित्र है, निगेटिव सोच है और थोड़ा सा पैसा आने लगा, तो एक लक्ष्मी जी का और लक्षण है, माता लक्ष्मी जी की बहन जो है वो वारुणी है। तो जैसे ही थोड़ा सा पैसा घर में बढ़ता है, शराब की बोतल पहुंच जाती है, तो ऐसे लोग जो धन को इस तरह मिसयूज करते हैं, उनके घर से महालक्ष्मी जी बहुत जल्दी विदा हो जाती है। जो लोग फिजूल खर्ची करते हैं, फालतू खर्च करना, पटाखे छोड़ना, दिखावा करना, क्रोध करना, लोगों का अपमान करना, धौंस दिखाना, लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके दूसरों को दिखाना, इससे पैसा धीरे धीरे विदा होना शुरू हो जाता है। तीसरा, अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, कठोर है, आप लोगों से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं, तो लक्ष्मी जी ज्यादा दिन आपके पास नहीं टिकने वाली हैं। इसलिए आलस्य छोड़ दें, अनुशासनहीनता छोड़ दें और उद्दंडता, उपद्रव, नियम न मानना, गैर कानूनी काम करना, सरकार का टैक्स न देना, ऐसे लोगों को भी महालक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती है। जो लोग दूसरों की उन्नति से जलते हैं, दूसरों की उन्नति देख नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी धन की हानि का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। तो अभी तक हमने जाना कि माँ लक्ष्मी की कृपा किन पर रहती है और किन के पास धन नहीं ठहरता। अब हम जानेंगे कि क्या है उपाय कि धन की देवी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। क्या है उपाय पंडित जी बताइए, क्या है उपाय? देखिए, बड़े छोटे उपाय होते हैं, बड़े सरल उपाय होते हैं जो आपके ऊपर हमेशा धन वर्षा करते रह सकते हैं, उन पे आप ध्यान दीजिएगा। पहला, दिवाली के दिन अगर अशोक के वृक्ष की जड़ की पूजा की जाए तो साल भर धन संपत्ति उस घर में बनी रहती है।
तो अशोक के वृक्ष में जाएं, उनको तिलक करें, एक दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि मेरे घर में कभी शोक ना हो, दरिद्रता ना हो, और प्रणाम करें तो निश्चित रूप से आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा उपाय, नरक चतुर्दशी को हाथी को गन्ना खिलाना है। गन्ना खिलाने से हाथी को आपके जीवन में आने वाली विपत्तियां, दरिद्रता, परेशानियां सब समाप्त हो जाती हैं। तीसरा, दिवाली की सुबह इमली के पेड़ की टहनी तोड़ लें और उसे लाकर प्रणाम करके अपनी अलमारी में रख दें, जहां पैसे रखते हों, इससे हमेशा आपके पास पैसे बने रहेंगे। चौथा, दिवाली के दिन काली हल्दी, सिंदूर, धूप और दीपक से पूजन करके दो चांदी के सिक्के एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान में रख लें, इससे आपके जीवन में आर्थिक संकट नहीं आएंगे। पांचवा, आंवले के फल में, गाय के गोबर में, शंख में, कमल के फूल में, सफेद वस्त्रों में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए संपन्नता एवं दीर्घायु के लिए इनका हमेशा प्रयोग करना चाहिए। तो आपने पंडित जी से जाना कि क्या करने से माँ लक्ष्मी अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखती है और किन वजहों से उनसे दूर भागती है। तो आप भी पंडित जी के बताए उपायों को अपनाएं और इस दिवाली माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाएं। जीवी लाइव परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।